बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह सारे ज़िले नूं पता है, पूरे मुल्क दे विच मुल्की लैवल तक जिहड़ा है ये खबर जा रही है कि पोल्ट्री शाप वालियां नाल बहुत ज़्यादा जुलम और ज़्यादती हो रही है। पहले नंबर ते वे कि इन्हां नूं जिहड़े रेट ते चूज़ा दिता जांदा है उहदे तों कहा जांदा है कि 10 रुपये तुसीं चिकन जिहड़ा सस्ता वेचना है। तो मैं अपने महताब वसीम अज़हर साहब अगे, DCO साहब अगे मुतालबा करना वा कि पोल्ट्री शाप जी मूंहवाल की होवे, भावें ज़िले गुजरात की होवे, भावें साढ़े पूरे पाकिस्तान पंजाब की होवे, मैं उन्होंने अगे मुतालबा करना वा पूरी इंतजामिया अगे कि ये बारे में सब तो पहला यह अहम इकदाम किया जाए कि जिद पोल्ट्री शाप वाले जड़े ने उन्होंने रेट जोड़ा वो ठीक दिता जाए चिकन का। इस तू अलावा उन्होंने पाबंदी ये लाई जाती है कि तुम ये रेट तो 10 रुपये 15 रुपये घट बेचने, पहला 10 रुपये से फिर 15 रुपये होया, हूँ 17 रुपये किया गया है। तो इस तू बाद जोड़े ने साडे महकमे वाले वो चलान करते हैं इन्हों के बेजा, असी भरपूर इस बारे एहतजाज करने, एहतजाज असी मूंहवाल लैवल से छोटी सतह पर कर रहे हैं। जे अगर ये रोकया ना गया तो असं इंशाल्लाह ताला ज़िली लैवल से भी असी जा के एहतजाज करांगे। तो असी लिहाजा क्योंकि पोल्ट्री शाप जी पूरे पाकिस्तान एक चिकन ऐसी खुराक है जी हर मरीज़ को हर छोटे व्डे की इस्तेता जी करती है, जिन्हों वो हर बंदा जरा लै सकता है। तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगे भी यही उन्हें अगे भी यही सवाल करना वा कि साढ़े पूरे पाकिस्तान में पंजाब में ज़िले गुजरात में DCO साहब अगे भी ये मुतालबा करना वा कि कोई भी जेड़े ने ना मुतालबे इन्हों पोल्ट्री शाप दे वो पूरे किए जान, तो रेट जोड़ा इन्हों ठीक दिता जाए, ये भी अगू ठीक तरीके वेचन। तो असं इंशाल्लाह ताला साडे मूंहवाल दे जिन्ने ताजर ने ए पहले भी हर तरह का तावन करते हैं, कोई भी महकमे वाला आंदा इन्हां दी रेट लिस्टां भी वेजा होंदियां ने, कोई भी किसी बंदे नूं भी अज तारी रेट के मुतलक भी मसला नहीं आया। सिर्फ ये इस टाइम हुकूमत पाबंदी लाँदी है कि तुम रेट तो 10 रुपये 15 रुपये घट वेचो, उन्होंने 17 रुपये क्या कि वेचो, ये किस तरह अपने किराए पूरे करन, किस तरीके नाल मतलब उन्होंने मैनेज कर। मेहरबानी चाहना वा महताब वसीम अज़हर साहब और DCO साहब ये बारे से एक्शन लैन, सानू अगर उन्होंने तक जाना पाया तो मैं एज़ ए मूंहवाल सदर अंजमन ताजरान अपनी पोल्ट्री शाप के ताजर जाने वास्ते हाज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिनकी वजह से हमारी आवाज़ जो है जो इकतदार के आवानों में इकतदार के मज़े लूट रहे हैं, मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इनकी वजह से हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है। उसके बाद मैं DC साहब से मुतालबा करता हूं और अपने कायद चौधरी परवेज लाई साहब से और चौधरी मोनस लाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मूंहवाल की आवाम की तरफ देखें क्योंकि ये उनका हलका है। जिस तरह यहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये आप सब लोग मीडिया पर देख रहे हैं कि मुर्ग शाप वाले आप मुझे बताएं कि इनके किराए इतने ज़्यादा हैं, कहाँ से ये लोग किराए दें, कहाँ से ये बिजली के बिल दें और कहाँ से ये अपने बच्चों का पेट पालें। DC साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा पोल्ट्री फार्म वालों जो हैं पीछे हैं उनके रेट बढ़ा दिए गए हैं और जो आगे लोग गरीब लोग जो हैं मजदूरी कर रहे हैं उनके रेट जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। मेरा DC साहब से ये मुतालबा है, पहले भी नवीद साहब ने जो यहाँ बाज़ार के सदर हैं उन्हें भी मुतालबा किया है कि DC साहब जो हैं वो मेहरबानी करें, वो पोल्ट्री शाप वालों के रेट जो ना वो कम करें, बल्कि जो पोल्ट्री जो फार्म है जिनके उनके रेट जो हैं वो कम करें, जो सप्लाई वाले हैं उनके रेट कम करें। ये तो मज़दूरदार हैं, सारा दिन थोड़ा थोड़ा गोश्त बेचकर ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसलिए हमारी DC साहब से और चौधरी परवेज लाई साहब से और चौधरी मोनस साहब से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के रेट जो हैं वो ठीक करवाए जाएँ, वरना ये हमारा इत्तेजाज जो है आज तो मूंहवाल की हद तक है। इंशाल्लाह हम ये ज़िला गुजरात तक भी लेके जाएंगे और इन अपने ताजर भाइयों के साथ हमें जहाँ तक जाना पड़ा इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप सबको पता है कि मूंहवाल में आज तीसरा रोज़ है, पोल्ट्री शाप का इत्तेजाज जारी है। हमारी कोई भी किसी किस्म की रसवाई नहीं, ना तो DC साहब ने कोई बात सुनी है, ना कोई ज़िले का और कोई बंदा आया। हम इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें भी कुछ बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, कुछ पेट उनका भरने के लिए कुछ चारा ने जड़े ने कमा दौ थोड़ी मेहरबानी। असी किराए भी देने ने नाल बंदे बिजली बिल अता के साढ़े छापर भी 360 रुपये किलो ने, वह भी नहीं तुलाई जाते। असी एक एक रुपये का हिसाब कढ़ना होंदा, तो मेहरबानी करके
साढ़े ते बोझ ज़्यादा ना डाला जाए, पिछे सप्लाई वाले का रेट कम किया जाए, उस दे मुताबक असी रेट लिस्ट से बेच सकते हैं। बराए मेहरबानी असी सारे इंतजामिया तरला करने हैं, रिक्वेस्ट करने हैं, मेहरबानी करो साढ़े इस एहतजाज नूं सर मध्य तरफ हो रही है। सप्लाई वाले नाल असां कीती है गल, उन्हें आख्या जी साढ़े नाल पिछों आर्डर है डीसी साहब का कि रेट कम करो, तुसी ऐसे वेचना है। वो सन फार्म रेट उत्ते ही ला रहे हैं, 7 रुपये इजाफी लगते हैं। उस दे मुताबक जे साढ़ा 51 रुपये परची आती है तो साढ़ा 64-65 रुपये रेट होंदा है, साना पी पैंदा असी किस तरह उससे बेच सकते हैं। बराए मेहरबानी करके दा नोटिस लिया जाए। इंशाल्लाह ताला तीसरा रोज़ है साढ़ा इतजाज नूं, असी इंशाल्लाह जे अज साडा कामयाब ना होया या किसी ने रिक्वेस्ट ना सुनी, असी इंशाल्लाह इंतजामिया जिले के नाल भी मीटिंग इजलास करके असी इस दायरे नूं वसीह करांगे और रोड बंद करके असी इसका इतजाज करांगे।